thermal energy is the energy basically embedded within the core or within the mantle of the earth. So this kind of energy is totally independent from the solar energy या कोई भी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं अर्थ की जो सरफेस में, उस से ये टोटली इंडिपेंडेंट है. बेसिकली जो थर्मल एनर्जी हीट होती है इनसाइड द कोर एंड मेंटल, आपने पढ़ा होगा 12th में कि जो अर्थ की जो लेयर्स है दे आर क्रस्ट देन मेंटल एंड कोर. तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो यही एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या इन द फॉर्म ऑफ हीट हो या इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो. तो ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट कन्वर्शन, तो वो इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे. जियोथर्मल एनर्जी, जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ नेचुरल हीट ऑफ अर्थ. जो इंटरनल हीट ऑफ अर्थ जो ओरिजिनेट हुआ था जब प्लैनेट्स ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम डस्ट एंड गैस, जब सोलर सिस्टम बना था उस टाइम जो डस्ट एंड गैस की वजह से जो कंडेंस हुए थे 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, तो उसकी वजह से कंप्रेशन की वजह से अर्थ के अंदर जो कोर में है हीट जो है जनरेट होती है उसकी वजह से. तो जो ही हम क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो अर्थ का क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो जो हमारा डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे हम जो है मेजर करते हैं, इक्वेटर पे मेजर करते हैं या पोल्स में मेजर करते हैं, तो वैसे ही टेम्परेचर वेरी करता है. बट जो ही हम अर्थ की क्रस्ट से नीचे जाते हैं फ्रॉम द क्रस्ट सरफेस ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. बट जो ही हम क्रस्ट से नीचे जाएंगे ऑन एन एवरेज इन द रेंज ऑफ 17-30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है. डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है, 17 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है जब हम ज़मीन के नीचे 1 किलोमीटर जाएंगे. तो जब हम मेंटल जो है तकरीबन 1500 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर तकरीबन 650 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. तो इस रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो फिर जो इनर एंड आउटर कोर जो है कोर होता है अर्थ का, तो पूरा जो इनर सॉलिड है आउटर लिक्विड कोर है, तो सॉलिड बीच में उसमें जैसे मेटल्स लाइक निकल आयरन, तो जो पूरे मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करते हैं इन द सॉलिड इनर कोर, तो वहाँ पे टेम्परेचर 4000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. तो ये डिपेंड करता है किस लोकेशन में हम देख रहे हैं. तो ये एक रेंज है. हमेशा जब भी आप कोई फिगर मेंशन करोगे एग्ज़ाम में भी, तो एग्जैक्ट फिगर मेंशन नहीं करनी चाहिए, रेंज करनी चाहिए. बिकॉज जो रिसर्च है या डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट फिगर्स मेंशन की होती है, अब जो एग्जामिनर होगा वो किस बुक से पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से आपको फिर रेंज में लिखना पड़ेगा कोई भी फिगर. जैसे 17 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है पर किलोमीटर, वैसे ही 650-1200 के आसपास टेम्परेचर होता है इन द मेंटल. अब ये मेंटल का जो इतना वेरिएशन क्यों है, 600 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है. अभी अपर मेंटल लोअर मेंटल का हम देखेंगे तो उसके हिसाब से इसका जो है टेम्परेचर रेंज देखा जाता है. अब जो क्या वजूहात है कि अभी हमने बताया कि जो डस्ट एंड गैस है अर्थ में, तो उसकी वजह से जो उसमें हीट जनरेट होती है, बट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इंटरनल हीट है अर्थ की, कैसे जनरेट होती है. तो पुराने ज़माने में जैसे एस्ट्रॉयड्स या मेट्रॉयड्स जो होते हैं वो ट्रैप हुए हैं ऑन द रॉक्स जो प्लैनेट्स, उसकी वजह से भी हीट जो है जनरेट हुई है. एंड देन जो हमारे मेटल्स है लाइक जो डेंस जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे निकल है आयरन है, तो इनकी जो टेंडेंसी रहती है ये कोर की तरह चलते हैं. मींस कि फ्रॉम ए मेंटल ये ड्रैग होते हैं टुवर्ड्स द कोर. जब ये ड्रैग होते हैं तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. अब ये इस टर्म को जो इस फेनोमेनन को आयरन कैटास्ट्रॉफी कहते हैं,
ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल है, ये पूरा प्रूव नहीं हुआ है, बट दिस इज काइंड ऑफ जो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड हीट इज एम्बेडेड इन द अर्थ एंड देन वो फिर बाहर आती है विद फ्रॉम वेरियस, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड रीजन इज द कंप्रेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो इनर कोर की जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो जो कंप्रेशन होता है, जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो जब इंक्रीज होता है उसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है। तो ये मेन तीन रीजंस है। उसके अलावा एक रेडियोजेनिक जो हीट क्रिएट होती है, रेडियोजेनिक इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जब भी जो हमारे हेवी मेटल्स है या रेडियो एक्टिव मेटल्स है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, पोटेशियम है, रेडियो एक्टिव पोटेशियम एंड थोरियम, ये अर्थ के जो कोर में मेंटल में पाए जाते हैं, और ये जब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डिग्रेड होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं रेडिएशंस करते हैं रिलीज बाय द डिजनरेशन ऑफ देयर न्यूक्लियस, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस वो छोड़ते हैं, तो उन रेडिएशंस में जो हीट होती है उस हीट की वजह से भी इंटरनल हीट डेवलप होती है इन द अर्थ। तो ये कंसेप्ट 1950s में आया था। तो ये चार रीजंस है, एक तो प्रिमिटिव जो अर्थ्स के सराउंडिंग में ट्रैप हुए थे मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स, उनकी हीट की वजह से, देन आयरन कैटास्ट्रोफ जो कैटास्ट्रॉफी हुई थी उसकी वजह से, एंड देन कंप्रेशन टू द ग्रेविटी एंड रेडियोजेनिक हीट जो क्रिएट होती है बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम पोटेशियम थोरियम, ये जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो ये चार रीजंस है क्या वजूहत है अर्थ की जो हीट का। तो ये आपको जो है सोर्स ऑफ हीट ऑफ इनर कोर एंड मेंटल ऑफ द अर्थ, ये जो यहाँ पे इन वजूहत से होता है। देन ये जो हीट कैसे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आती है, देखिए कोई भी एनर्जी जब हमें मिलती है दैट कम्स बाय द थ्री पाथवेज। फर्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन की एग्जांपल मैं देखूंगा कि जैसे हमें सन से एनर्जी मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, फोटॉन्स गिरते हैं, तो वो उसमें डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया पिछली क्लासेस में भी सोलर एनर्जी में, उसमें स्पेक्ट्रम होता है इंफ्रारेड एंड देन विजिबल स्पेक्ट्रम, और भी बहुत सारे होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह। तो एक तरीका है कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सेकेंड इज कंडक्शन। तो कंडक्शन की आप एक एग्जाम्पल लोगे कि जैसे एक वायर में जो है इलेक्ट्रिसिटी चलती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, एक मटेरियल से होके कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जो रेडिएशन तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रेडिएशन इट ट्रैवल्स थ्रू द वैक्यूम और एयर, तो इनर सरफेस ऑफ अर्थ की जो हीट है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर नहीं आ सकती ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो देर आर ओनली टू मैकेनिज्म्स, देर आर ओनली टू पाथ, देर आर ओनली टू प्रिंसिपल्स बाई विच द हीट ऑफ द इंटरनल अर्थ कैन बी इंटरनल हीट जो अर्थ की है वो बाहर आ सकती है। फर्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स जब भी हम कोई गर्म सरफेस से दूसरी सरफेस लगाते हैं तो एक गर्म सरफेस से कोल्ड जो बॉडी में ट्रांसफर होती है हीट, उसको कंडक्शन बोलते हैं। तो जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो दे नो दैट कि जब हम ए बॉडी ए जो गर्म है, बॉडी बी जो ठंडी है, तो उनको एक साथ मिलाएंगे तो उनका जो है टेम्परेचर इक्वलाइज हो जाता है, ठंडी जो बॉडी है गर्म हो जाती है एंड गर्म बॉडी ठंडी हो जाती है। वैसे ही तो कंडक्शन की वजह से जो लोअर लेयर्स ऑफ अर्थ है वो हीट ट्रांसफर होती है बाय द रॉक्स जो उनमें होते हैं, एंड देन जो उसका जो सॉइल वगैरह होती है तो वो ट्रांसफर होती है टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो ऑलरेडी हॉट मटेरियल होता है जिसकी वजह से इनर सरफेस ऑफ अर्थ जो है हीटअप होती है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनोज में जब हम लावा बाहर निकलता है दैट इज एन एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शनल हीट, तो बाहर आती है। तो जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है जो हमारा सोर्स ऑफ हीट होगा चाहे गैस हो चाहे हीटर हो, तो वो जो पहले स्टार्टिंग में कंडक्शन होती है, जो हीट जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, बट लेटर ऑन जब वाटर बॉयल होने लगता है तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आते हैं, मीन्स इसमें लिक्विड फ्लो हो जाता है जो
जो हॉट जिसमें एनर्जी होती है लिक्विड में वो फ्लो होता है, बट कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है, कंडक्शन में खाली हीट ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये दो पाथवेज है कैसे अर्थ की जो इंटरनल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, वो बाहर आ सकती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो ये जब बाहर आती है अर्थ की सरफेस, तो इसको हम जो है वेरियस मैकेनिज्म से कन्वर्ट कर सकते हैं इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट है, इससे हम पानी को जो बॉयल कर सकते हैं, उससे स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन स्टीम कैन बी यूज टू बी यूज टू कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन द टर्बाइन, और टर्बाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पिक्चर में, ये फॉर एग्जाम्पल मैग्मा है, हीट सोर्स। तो यहाँ पे वाटर फ्लो है, जैसे वाटर टेबल है, कोई भी चीज़ है जो इसकी कंटेक्ट में आता है, या बीच में यहाँ पे इम्पेरेबल बेड रॉक्स हो सकते हैं, तो उससे जो है हीट कंडक्ट होती है टूवर्ड्स द दिस वाटर फ्लो जो अंडरग्राउंड वाटर में है। तो ऊपर भी उसके ऊपर भी इम्परमेबल लेयर होती है रॉक्स की। तो ये जो वाटर हीटअप होता है इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, तो इसको वेरियस मैकेनिज्म से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम हीट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, एंड देन या तो ये हॉट वाटर को ऊपर ले सकते हैं, या स्टीम, जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि ये हीट हम बाहर कैसे लाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपको आपको समझ आया कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, बट इसके क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स है कि कैसे एंशियंट ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था, आज के ज़माने में तो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एप्लीकेशंस भी है इसकी, वी विल डिस्कस दैट दोज एप्लीकेशंस। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, जैसे चाहे वो रोमन सिविलाइजेशन है या कोई और भी सिविलाइजेशन है, तो वो यूज़ करते थे हॉट वाटर स्प्रिंग्स फॉर बेथिंग क्लीनिंग, या वो एंशियंट रोम में वो डायरेक्टली जो है पाइपलाइंस यूज़ करते थे फॉर वार्मिंग अप द जो फ्लोर्स वगैरह, जो आजकल हमाम का सिस्टम है, कैसे हम फ्लोर को वार्म अप करते, तो उस टाइम ज़माने में हॉट स्प्रिंग्स को यूज़ करते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं था वहाँ पर उस टाइम। तो इटली में जो जगह है लार डेलो, ये एक फर्स्ट जो जगह है इटली में 20th सेंचुरी में, जहाँ से जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया था इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया था प्रिंस जियो नोरी ने 1905 में, एक प्रोटोटाइप बनाया था, फिर एक कमर्शियली जो अप्लाई हुआ था 1930 में, जिससे उन्होंने 250 किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की थी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप एक छोटा सा मॉडल होता है एक कमर्शियल लेवल पे, जो इम्प्लीमेंट करने से पहले वो किन हालात में काम करेगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। तो 1905 में उसने बनाया था, 1913 में उसको कमीशन किया गया था, कमर्शियली उसको एक यूनिट बनाया गया था। तो देन अनदर जो एक आइसलैंड जो द स्मोकी बे नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे भी एक केस स्टडी है कैसे उन्होंने फ्रॉम 1755 से लेके आज के ज़माने तक उनने एक ग्रेजुअली उनकी टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड कैसे चेंज हो गई। 1755 में जो है ड्रिल करते थे हॉट वेल्स वगैरह, जो भी बेथिंग क्लीनिंग के लिए यूज़ करते थे, और ग्रेजुअली वो स्टार्ट किए अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी में उसको जो है कन्वर्ट करने में। तो आइसलैंड जो है कंट्री में 24% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द जियोथर्मल सोर्सेस। तो आइसलैंड जो है बेसिकली ये उन्हीं जगह ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे हीट डायरेक्टली बाहर निकलती है। तो आइसलैंड इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूजिंग द जियोथर्मल एनर्जी। तो कोई भी आपको कहेगा विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल एनर्जी, दैट इज आइसलैंड, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जैसे यूएसए।
तो अब इसके क्या यूजेस है, प्रेजेंट यूजेस, प्रेजेंट कंटेम्पररी वर्ल्ड में इसके क्या यूजेस है? फॉर एग्जांपल इसके डोमेस्टिक यूजेस है, स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग के लिए यूज होता है, वाटर हीटिंग के लिए यूज होता है, एक्वा कल्चर जैसे फ्रिश फिश श्रिम्प एलिगेटर्स, ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी होता है, फॉर डाइंग क्लोथ्स, वॉशिंग वूल, पाइपिंग अंडर साइडवॉक्स, मतलब जो फ्रीज वगैरह होता है विंटर्स में उसको ठीक करना, एंड ओवरऑल सबसे बड़ी एप्लीकेशन आज के ज़माने में दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द जियोथर्मल। अब ये तो थोड़ा सा इसका था बैकग्राउंड, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ इट्स इज अ टेक्निकल पार्ट, कैसे हम ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्टली जो है हीट हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ जो अर्थ है, या तो पैसिवली करेंगे या एक्टिवली करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंट ऑफ हॉट वाटर कैसे हम करेंगे। फिर उस हीट से जो है वाटर को बॉयल करते हैं, देन स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, और स्टीम को जो है देन दैट इज यूज्ड फॉर रनिंग द टर्बाइन। सेम कंसेप्ट इन जैसे इन हम थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि हीट सोर्स क्या है, व्हाट इज द हीट सोर्स फॉर जनरेटिंग द स्टीम। तो जियोथर्मल एनर्जी में हीट सोर्स है द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, एंड इन थर्मल पावर प्लांट्स द हीट सोर्स इज कोल और अदर फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैसेस। तो वहाँ पे वो करते हैं, फिर जो स्टीम कन्वर्ट होती है इंटू द मैकेनिकल एनर्जी टर्बाइन में जब रन होता है, देन मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेटर्स होते हैं। तो इसके बहुत सारे तीन तरीके हैं कैसे हम जो है इस हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज जो प्रिमिटिव काइंड ऑफ जो थर्मल पावर, ये जो जियो थर्मल पावर प्लांट्स होते थे उसको ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो हीट होती है अर्थ की, जो स्टीम जो प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रॉम द सन, बिकॉज पिछली वाली पिक्चर में हमने देखा कि मैग्मा के ऊपर जो इम्पेरेबल रॉक लेयर होती है उस पर वाटर होता है, तो वाटर बॉयल होता है इनसाइड द अर्थ। तो उस बॉयलिंग वाटर जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम को हम डायरेक्टली बाहर निकालते हैं, जो हम पाइप्स ड्रिल करते हैं नीचे तक, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ कितनी होगी उसको सर्वे वगैरह किया जाता है, देन जो स्टीम को डायरेक्टली हम निकालते हैं। तो स्टीम को हम जब डायरेक्टली अंडर हाई प्रेशर, उसका प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो उस स्टीम को डायरेक्ट जब निकालते हैं, और यहाँ पे जो टर्बाइंस होते हैं, यहाँ पे चार टर्बाइंस है, टर्बाइंस पे हम उसको प्रेशर जो है उसको डायरेक्टली छोड़ते हैं स्टीम को, टर्बाइंस रन करते हैं, और टर्बाइंस जो है यहाँ पे शाफ्ट्स लगे होते हैं, जो फिर जनरेटर होता है यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये एक तो स्टीम यहाँ पे लाते हैं, और फिर स्टीम को कंडेंस करके इन कोल्ड वाटर, फिर से दूसरे वेल से इसको नीचे छोड़ते हैं बोर वेल से। मीन्स ये क्लोज लूप है। तो यहाँ पे कोई भी अगर बाहर अंदर से जो जो भी स्टीम निकलती है वो ज़ाया नहीं होती है, तो उसको फिर से वापस इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीम के साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह होते हैं, तो वो अदर उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे मीथेन अगर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हो सकती है। तो वो भी विद इन द जो है सिस्टम रहते हैं, बाहर नहीं आते एटमोसफेयर में। अदर गैसेज जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, दे काज कोरोजन। तो यहाँ पे वो सबकी प्रॉब्लम होती है, क्रोजन होता है, जो रस्टिंग वगैरह होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है इस सिस्टम में कि ऐसे जो उसको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। तो ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट है। तो ये जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था लार डेलार्लो में, इटली, जो इटली में हुआ था 1905 में उन्होंने कमीशन किया, तो ये इसी तरीके पे बना था वो प्रोटोटाइप, जो फिर 1913 में वो कमीशन किया गया था। तो इसमें एक्सेस स्टीम जो है बाहर निकलती है, देन माइनर अमाउंट्स ऑफ गैसेस जो मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात कही थी। देन सेकेंड टाइप इज फ्लैश स्टीम पावर प्लांट्स। तो दिस इज बेसिकली इट वर्क्स व्हेन द टेम्परेचर इज अराउंड 182 डिग्री सेल्सियस टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रिंसिपल तो सेम है, कैसे स्टीम को हम जो है प्रेशर
से हाई प्रेशर में डालेंगे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बट यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो जो यहाँ से हम स्टीम लाते हैं नीचे से, उसको पहले एक सेपरेटर में रखते हैं। इस सेपरेटर का जो है बेसिकली प्रेशर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट में कन्वर्ट होता है इनटू द स्टीम। फिर उस स्टीम को हाई प्रेशर में जो है हम उसका जो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उसको उससे टरबाइन रन करते हैं, देन उस स्टीम को फिर से कंडेंस करते हैं इन कोल्ड वाटर अलॉन्ग विद दिस वाटर जो यहाँ से हम निकालते हैं। तो अनलाइक जो ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स है, वहाँ पे तो हम खाली जो है स्टीम को यहाँ पे डालते थे, कोई भी यहाँ पे बीच में कोई अपैरेटस नहीं था, बट यहाँ पे एक अपैरेटस है जो लो वैक्यूम या लो प्रेशर वैक्यूम ज़्यादा या वैक्यूम होगा या लो प्रेशर होगा, जिसकी वजह से जो हॉट वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है मैक्सिमम अमाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर कम होता है इस लोकेशन में एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स, अगर तकरीबन 182 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे नीचे से पाइप से पानी भी आता है और स्टीम भी आते हैं इन मिक्स्ड, तो यहाँ पे खाली स्टीम आती है। ये तो इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे पानी के साथ स्टीम भी आती है, और स्टीम तो हम गैसेस फॉर्म में निकालते हैं, बट जो एक्सेस वाटर है उसको भी थोड़ा सा स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लो प्रेशर में रखते हैं। फिर वहाँ से टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एंड देन स्टीम जो होती है फिर से उसको कंडेंस करते हैं, एंड देन कंडेंसेड। तो यहाँ पे हम एक और अपरेटस लगा सकते हैं, ये जो एक्सेस वाटर है, एक और लो प्रेशर टैंक लगा सकते हैं, उससे भी जो है स्टीम कन्वर्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, 1 रुकायर्ड है या 2 रुकायर्ड है, तो उसको फिर से हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द वेल। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्लोज्ड काइंड ऑफ जो अपरेटस है, तो इसमें जो है सम फ्लूड से रैपिडली वेपराइज हो जाता है जैसे वाटर। तो इसमें भी जो प्रॉब्लम्स कुछ माइनर गैसेस की बताई, बट इसमें एक्सेस स्टीम प्रोड्यूस नहीं होती है। तो एक्सेस स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है, लो प्रेशर टैंक लगानी पड़ती है। तो ये था फ्लैश स्टीम पावर प्लांट्स। फिर थर्ड वन एंड लास्ट वन इज बाइनरी साइकिल पावर प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर अराउंड 400 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेस देन 182 बेसिकली। तो इसमें बेसिकली हम पंप करते हैं वाटर, तो जो नीचे से गर्म पानी होता है उसको पंप करते हैं, फिर एक हीट एक्सचेंजर में होता है। हीट एक्सचेंजर में कुछ काइंड्स ऑफ फ्लूड्स होते हैं जो जल्दी हीट अप होते हैं। तो यहाँ से जो गर्म पानी होता है, ये पाइप से जो इसमें फ्लूड होता है वो गर्म करता है इस पाइप में जो पानी होता है। ये डायरेक्टली कंटेक्ट में नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, मीन्स द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन दिस वन। तो फिर ये जो फिर कंडेंस होके कूल होके फिर से इसको वापस इंजेक्ट करते हैं, बट जो हीट एक्सचेंज होती है बाय द कंडक्शन, उसको हम यूज़ करते हैं वॉट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो बॉयलिंग के लिए यूज़ करते हैं ये वाली हीट। बट यहाँ पे एक ही जो है बेनिफिट है, एक तो यहाँ पे जो गैसेस वगैरह जो है लीक जो प्रॉब्लम करते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे कोरोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है। तो ये था डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर्स, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है देन वी गो फॉर द ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स, उससे कम है अराउंड 182 डिग्री सेल्सियस, देन वी गो फॉर द फ्लैश स्टीम पावर प्लांट्स, एंड देन उससे भी कम अगर है देन वी गो फॉर द बाइनरी साइकिल पावर प्लांट्स। अब इसके क्या एडवांटेजेस है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल जो पावर प्लांट्स है, उसकी क्या एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज इज देयर इज क्लीन, नो इमिशन। इमिशंस है थोड़ी सी, बट जो हमने सिस्टम बनाया क्लोज्ड साइकिल, जितने भी गैसेस निकलते हैं उसको फिर से हम वापस इंजेक्ट करते हैं इन द सिस्टम, तो टेक्निकली थियोरेटिकली देयर आर नो इमिशंस। इट इज रिलायबल, रिलायबल मीन्स कि सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है, इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। अगर जितना आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करोगे तो उतना आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। देन इट इज सस्टेनेबल, वाटर कैन बी रिसाइकल्ड बैक, ये सस्टेनेबल, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होता है वाटर का, रीयूज कर सकते हैं। नो अदर फ्यूअल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, कोई भी अदर जो है फॉसिल फ्यूल्स हमें रिक्वायर नहीं है यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लैंड कंजर्वेशन, इसमें इसमें कोई भी एज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी पड़ती है लैंड को, तो ये इंटीग्रेट कर सकते हैं विद अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। देन इट इज़ फ्लैक्सीबल एंड मॉड्यूलर, जियो थर्मल एनर्जी कैन बी ए मॉड्यूलर डिज़ाइन बेसिकली, मतलब जो किसी भी
जगह जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसकी हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। ये नहीं है कि एक बड़ा पावर प्लांट लगाना है देन वी हैव टू गो फॉर द लार्ज एरिया, बट इसको हम कैपेसिटी और डिमांड के साथ जो है उसके हिसाब से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके डायरेक्ट यूज़ क्या क्या है, फर्स्ट इज़ ग्रीन हाउस एंड एक्वा कल्चर जो हमने इसका कहा। ग्रीन हाउसेज में बेसिकली हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, एक्वा कल्चर भी कुछ जो कोल्ड एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे एक्वा कल्चर के लिए जा सकते हैं। तो ये जो हीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस में जो हीट के लिए या अदर सोर्स ऑफ जो एनर्जी चाहिए तो वो यहाँ से हम मीटअप कर सकते हैं। तकरीबन 80% ऑफ द फ्यूल्स हम कट कर सकते हैं एंड अबाउट 5 to 8% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके अलावा इसके एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में भी है, फूड डिहाइड्रेशन जो फूड को ड्राई करने में, लॉन्ड्रीज वगैरह, देन गोल्ड माइंस में, मिल्क पॉस्चराइजेशन एंड स्पाज वगैरह में जो ट्रेडिशनली यूज़ होते थे फॉर बेथिंग वगैरह, स्पाज वगैरह, तो मिल्क को पॉस्चराइज करने में। तो ये इंडस्ट्रियल यूज भी है इसके बिसाइड्स द यूज़ इन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को हमने भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। ये मोर सस्टेनेबल फ्लेक्सिबल है बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कुछ इमिशंस जो होती है, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड लीक हो जाएगा एटमोसफेयर में, देन इट कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स। देन कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी निकलते हैं, कुछ कुछ जगह जो है टॉक्सिक गैसेस भी होते हैं इनसाइड द अर्थ, जब वो कंटेक्ट आते हैं इन द एटमोसफेयर दे चेंज देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती है। तो लैंड इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है बिकॉज वी हैव टू ड्रिल इनसाइड द कोर ऑफ या मेंटल में हमें ड्रिल करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकती है। अर्थक्वेक जो सेस्मिक जोन्स, हाईली सेस्मिक जोन्स है वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन ना हो बिकॉज, तो उसकी वजह से वो जो पाइप्स जो है ड्रिलिंग पाइप्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड देन इसके जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे मैंने अभी कहा, कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो स्टीम के साथ निकल सकते हैं नीचे से, वो एक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिसाइड्स जो कुछ कुछ और मर्करी वेपर्स निकल सकते हैं, बेंजीन जो है वो निकल सकता है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स अदर भी है जैसे क्लाइमेट चेंज, दे कैन बी रिलेटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, एसिड रेन इट कैन बी रिलेटेड विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड हेल्थ रिस्क जो मर्करी वेपर्स वगैरह निकलते हैं या बेंजीन निकलता है इसको हेल्थ के साथ भी जो है रिलेट कर सकते हैं। बिसाइड्स इट कैन ऑल्सो बी अ माइनर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो हमने भी डिस्कस किया। अब उसके अलावा भी कुछ टॉक्सिक इमिशंस निकलते हैं जैसे कुछ कुछ जियोथर्मल सोर्स में बोरान, आर्सेनिक, मरकरी, एंटमनी एंड साल्ट वगैरह निकलते हैं। वंस द एक्सट्रैक्शन द कोल्ड वाटर कैन बी कॉज अ ट्रेस टॉक्सिक जो सोल्यूशंस उसमें भी आ सकते हैं। तो उसका जो सोल्यूशन वही है क्लोज लूप जो हम बनाते हैं उसको जो है वापस इंजेक्ट करते हैं, तो उससे जो है ये मिनिमाइज कर सकते हैं इमिशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अब वर्ल्ड में इसका क्या सिनेरियो है, कैसे क्या यूज़ होता है, जो अब तकरीबन 20 कंट्रीज़ है ओवर द वर्ल्ड कि जिसमें जियोथर्मल एनर्जी जनरेट की जाती है, एंड देन यूएसए इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिकॉज उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे वहाँ पे भी एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है। तो मैंने इसे कहा था पहले, अब आइसलैंड के आसपास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बेसिकली, जहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं मैच करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ये जो एरिया है इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, तो ये जो पैसिफिक ओशन में है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, तो ये इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे भी इसका अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो एस्टिमेट किया गया है कि जियो थर्मल का जो पोटेंशियल है इट इस अप टू 70 to 80 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी। तो बट कुछ रिजर्वायर्स को एक्सप्लॉइट किया गया है, तकरीबन 13 गीगावाट्स को जो है मतलब आइडेंटिफाई किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है। ये तो एक ग्लोबल सिनेरियो है, बट इन इंडियन कंडीशंस जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने 350 जियो थर्मल एनर्जी लोकेशंस आइडेंटिफाई की है इंडिया में। तो इसमें प्यूगा वैली जो है लद्दाख में,
इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लोकेशन जिसमें जियो थर्मल एनर्जी जो आइडेंटिफाई की गई थी इंडिया में। तो तकरीबन इंडिया का जो पोटेंशियल है, इट इज़ अबाउट 10,000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हिमालयाज में सोहाना जो ये वाला एरिया है, वेस्ट कोस्ट ये वाला, एंड कैम्बे यहाँ पे, एंड सन नर्मदा तापी जो ये वाला एरिया है, एंड देन गोदावरी एंड महानदी एरियाज में जो ये जो जनरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कर सकते हैं। बट अभी हो रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है कितना पोटेंशियल है, 10,000 मेगावाट्स। तो एनर्जी यहाँ पे तकरीबन 350 जियोथर्मल लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई है इंडिया में बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये था आपका।